मेघनाथ। दोस्तों, रावण का पुत्र मेघनाथ महावीर था। अपने पराक्रम से उसने देवताओं को परास्त करके इंद्र को बंदी बना लिया था, जिसके चलते उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। उसके पास ब्रह्मास्त्र, वैष्णव अस्त्र और पाशुपतास्त्र, इन तीनों शस्त्र का ज्ञान था। लक्ष्मण जी के साथ युद्ध के दौरान उसने लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र, वैष्णव अस्त्र और पाशुपतास्त्र चलाया था, जिसके बाद लक्ष्मण जी के सामने ब्रह्मास्त्र निषेध हो गया था। वैष्णव अस्त्र और पाशुपतास्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके लौट गया, लेकिन युद्ध के दौरान एक समय उसने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। अपने नागभास से मेघनाथ ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को जकड़ दिया था। मेघनाथ रामायण काल का एकमात्र योद्धा है जिसे अति महारथी कहा गया है। लक्ष्मण जी। दोस्तों, शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी महापराक्रमी थे। उनकी रेखा में इतनी शक्ति थी कि रावण भी उसे पार नहीं कर सकता था। वह एक श्रेष्ठ धनुषधारी थे। रावण के महाबलशाली पुत्र इंद्र को परास्त करने वाले इंद्रजीत का वध वही कर सकते थे जो 14 साल तक सोया ना हो, जिसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो, जिसने 14 साल तक भोजन न किया हो, और वह कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण जी ही थे। और लक्ष्मण जी ने ही मेघनाथ का वध किया था। रावण का शक्तिशाली पुत्र अतिकाय का वध भी लक्ष्मण जी ने ही किया था। युद्ध के दौरान एक बार लक्ष्मण जी ने रावण तक को मूर्छित कर दिया था। दोस्तों, बर्बरिक घतोत्कच के पुत्र थे। उनके पास ऐसे 3 बाण थे जिसके सहारे वह पलवर में कुरुक्षेत्र के युद्ध को खत्म कर सकते थे। बर्बरिक के 3 बाणों के बारे में जानकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने दान में बर्बरिक का शीश मांग लिया। इसके बाद से ही खाटू श्याम जी के नाम से इस धरती पर बर्बरिक जी की पूजा होती है। लेकिन दोस्तों, आप इनमें से सबसे शक्तिशाली योद्धा किसे मानते हैं? अपने विचार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, अपना नॉलेज टीवी।